नंबर छह देखिए, कह रहा है कि एम समांतर है एन और एल क्या है, इस पे तिर्यक रेखा है, एंगल एंगल दो और तीन का जो अनुपात दिया है, दो अनुपात दिया है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि माना एंगल दो जो है इसको कितना मानेंगे, दो एक्स है ना, और एंगल जो आपका तीन है वो कितना हो जाएगा आपका 3x, यानी कि ये दो और तीन और इन दोनों का योग 180 होगा ना रैखिक युग्म से, एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर 180 कैसे होगा, तो ये आपका रैखिक युग्म से हो जाएगा, कैसे होगा, रैखिक युग्म से इन दोनों का योग जो होगा 180 हो जाएगा, तो एंगल दो है ये 2x और ये है 3x, ठीक है, अनुपात दिया ना आपके पास दो अनुपात तीन, चलिए बराबर में है 180, इन दोनों को जोड़ दिए तो आ जाएगा 5x, तो 5x बराबर 180 ना, अब चलिए 5 को इधर ले जाएंगे भाग में, तो 180 में 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 से भाग करिएगा तो 5 दिया 15 और 5 36 36 आएगा, तो x का वैल्यू यहां से आ गया 36, यानी कि एंगल 2 बराबर हो गया आपका 2x, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री, और एंगल 3 बराबर जो है आपका 3x है ना, तो कितना हो जाएगा 3 × 36, तो 36 में 3 से गुना करिएगा आपका आ जाएगा 108 डिग्री, तो एंगल 2 और 3 निकल गया, तो बाकी सब कोण तो आप निकाल ही सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 ये एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से होता है ना बराबर, यानी कि एंगल 4 जो हो जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा एंगल 2 के बराबर, यानी कि 72 डिग्री, ठीक, उसी तरह एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा आपके एंगल 3 के बराबर होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा आपका 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक, ये तो रहा ये चारों एंगल निकल गए, अब इन चारों को निकालने के लिए 1 हो जाएगा 5 के बराबर, लिख देते हैं ना नीचे, चलिए लिख देते हैं इसको भी, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 1 कैसे, तो ये हो जाएगा संगत कोण से, संगत कोण से, तो संगत कोण से ये कितना, यानी कि एंगल 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो एंगल 1 जितना है उतना 5 होगा, तो 1 है आपका 108 ना, तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री, उसी तरह एंगल 7 बराबर एंगल 5 होगा कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना, तो एंगल 7 बराबर कितना आ जाएगा 108, समझ गए, अच्छा उसी तरह यहाँ पे जो एंगल 2 है एंगल 6 के बराबर होगा ना, एंगल 6 बराबर एंगल 2 होगा कैसे, संगत कोण से ना, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से, तो एंगल यहाँ से एंगल 6 बराबर कितना जाएगा, तो जो 2 है वही एंगल 6 हो जाएगा, तो एंगल 2 कितना है 72 डिग्री ना, तो 72 डिग्री, अब देखिए एंगल आपका 6 आ गया तो 8 भी वही होगा ना, यहाँ लिख दीजिए एंगल 8 बराबर एंगल 6 कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि ये भी आ गया आपका कितना, कितना है एंगल 6, तो एंगल 6 72 है, तो एंगल 8 भी कितना आ गया 72 आ गया, यानी कि सारे एंगल निकल गए, तो सारे एंगल दो ही टाइप के हैं, एक है 72 है तो दूसरा वाला 108 है, ऐसे ही है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल गया कि अगर एक कोण भी दिया हो ना आपके पास तो सारा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका संबंध हम लोग जानते हैं इसमें क्वेश्चन।